कितनों को चाहिए जन्नत? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा। नबी का अबू बकर भी, नबी का उमर भी, नबी का उस्मान भी, नबी का अली भी, ना अली की मिसाल, ना उस्मान की मिसाल, ना नबी के उमर की मिसाल, ना नबी के अबू बकर की मिसाल। मैं एक बात कहता हूं, ये जो गुमराह करते हैं ना लोगों को, कुछ पीर के भेष में आके गुमराह करते हैं, ऐसे ठगों से बच के रहना। क्या कहते हैं आला हजरत, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है ना जी। हाँ, चोरों की रखवाली है, बस गौर करना इस बात पर। हमारे ये सीधे सच्चे लोग, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बड़ी मेहनत करके 7 बजे मुरादाबाद से चला, मेरी गाड़ी खराब हुई थी, मुझे कहा था आना है, मैं 7 बजे चला, रब का फजल है, मुस्तफा का करम हुआ, 11 बजे आगरा में एंट्री हो गई थी मेरी। ये सिर्फ हुजूर का करम लेके आया, मैं बड़ी मेहनत करके पहुंचा हूं। मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा, मैं शेर व शायरी में वक्त जाये नहीं करूंगा अपना, और मैं चटकुले या किससे कहानियां नहीं, मैं काम की बातें आपसे करना चाहता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हमारी कौम जो है ना, बड़ी सीधी कौम है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, पीर परस्ती छोड़िए, अब खुदा परस्ती कीजिए। पीर परस्ती छोड़िए, खुदा परस्ती कीजिए। पीर खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचाने का जरिया है। कोई भी पीर अपनी राय लेके आए लात मार दो, जो पीर मुस्तफा की शरीयत लेके आए उसे सीधे से लगा रहा है, जो हुजूर की शरीयत लेके आएगा उसे सीने से लगाना है। कई लोगों ने चुपके चुपके हमारी मस्जिदों के खुतबों में चोरियां शुरू कर दी। अफजलुल बशर इबादुल अंबिया इबित्ताकी अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक वालन नातिक बिसिद्क वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, ये जुमले हटाए जा रहे हैं खुतबों से। बहुत होशियार रहने की जरूरत है, जब ही आएंगे लिबास भी तुम्हारे जैसा होगा, टोपी भी तुम्हारे जैसी होगी, वजाकता भी तुम्हारे जैसी होगी, दिल के अंदर चोर होगा, दिल के अंदर चोर होगा, उसे पहचानने के लिए इमाम अहमद रजा का तराजू रखना है, इमाम अहमद रजा का तराजू रखना है। उससे पूछ बरेली के इमाम के बारे में क्या कहता है, अगर वो ये कहे कि तू बड़े मौलाना है, अच्छी किताबें लिख के गए हैं, समझ लेना दिल में खोट लेके बैठा है, अगर फिर ये कहे बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, समझ लेना खोट है दिल के अंदर, अगर वो सीना चौड़ा करके कहे उसके बारे में पूछ लो, जिसे इश्क का इमाम कहा जाता है, जिसे सुन्नियत का बच्चा बच्चा करता है, खुदा की कसम हुजूर का एक एक चाहने वाला बेमिसाल। ये जितने कुत्ते खुतबों में चोरियां कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है, सुबह कयामत तक तुम अबू बकर को हुजूर से जुदा नहीं कर सकते, उमर को हुजूर से जुदा नहीं कर सकते। और बड़ी बात करता हूं, तुम इन 4 यारों को अलग नहीं कर सकते हो। तेरी औकात का तू जानता क्या है? अबू बकर सबसे पहले अली के रिश्ते की बात जिसने की थी उसे उमर कहा जाता है। और जानते हो अली के नगर का पैसा जिसने दिया था उसे उस्मान ज़ुल्लुरैन कहा जाता है। तेरी औकात क्या है तू अलग करने लगा? इनमें आपस में कितना प्यार था, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, दुनिया जानती थी जहां ये 4 यार बैठे होंगे किसी में हिम्मत नहीं है हुजूर की तरफ कोई आंख उठा सके। हाँ, हिम्मत नहीं होती थी जहां ये 4 बैठा करते थे। खुदा की कसम मैं क्या बताऊं आपको, अबू बकर कौन है, एक एक बात में मिसाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, तिजारत के लिए निकले, तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज के बाद किसी रावजी खारजी के चक्कर में ना पड़ना,
किसी के चक्कर में न पड़ना। फख्र से कहना हम सीना कूट के अली अली नहीं करते, हम सीना चौड़ा करके अली अली कहते। सीना वो पीटे जिनका कमजोर अली है, हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि अकेला बाबे खैबर को दो गुलियों पे उखाड़ देता है। और बाबे खैबर सिर्फ तेरी मेरी चौखट नहीं है, बाबे खैबर का वजन 800 टन था, 800 मन, 800 मन वजन था उसका बाबे खैबर। हवाला पूछना आप मुरादाबाद, चाय भी पिलाऊंगा किताब भी दिखाऊंगा, घर बैठ के टिप्पणी ना करना, मुरादाबाद आ, चाय भी मिलेगी हवाला भी मिलेगा, फिर इनकार करेगा तो जूता भी मिलेगा। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, समझ रहे। तो ऐलान नबुव्वत अभी हुजूर ने नहीं किया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के लिए निकले, आपका खादिम साथ था, बहुत गौर से सुनिएगा, आपका खादिम साथ था, रास्ते में मौसम यही था बारिश का आंधी का, तेज आंधी के हालात थे। अली तो अली, अबू बकर सिद्दीक ने ना अपने खादिम को भेजा, रात हो गई है, ये जो सामने गिरजा घर है ना, इसके राहिब से पूछ गया कि हम रात रुक सकते हैं। उसने कहा, जो खादिम था राहिब का, उसने कहा कि भाई हम यहां किसी को रुकने नहीं देते। कहा क्यों? कहा हमारा जो राहिब है ना, वो 800 साल से इबादत कर रहा है यहां पे। कितने साल से? एक रिवायत के मुताबिक 400 साल। कहा कि इतने सालों से इबादत कर रहा है, सदियों से। एक शख्स को रुकने की इजाजत हमने दे दी थी तो उसने गुनाह कर लिया था, उसने गुनाह कर लिया था, इसलिए हम किसी को रुकने नहीं देते। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद जब खादिम ने जाके कहा कि उसने ऐसे से कहा, आप फरमाने लगे उससे कहे क्या जरूरी है जो रात रुकेगा वो गुनाह भी करेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बंदा रात भी रुके और गुनाह भी करे। ये कह के आप चल दिए तो ये आवाज जैसी राहिब के कानों में पहुंची। कहा क्या कहा उसने? कहा ये कहा है जरूरी है कि जो रुके रात वो गुनाह भी करे। कहा नहीं। तो कहा कौन था वो? कहा कोई अजनबी है, मुसाफिर है। कहा बुला के लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। इतना बूढ़ा था कि उसकी जो भौहें थी ना, ये ऐसे ना बुढ़ापे की वजह से आंखों पे गिर गई थी। उसने ऐसे करके उठा के अबू बकर का चेहरा देखा, देख के कहा नाम क्या है? कहा अबू बकर। कहां से आए हो? मक्का शरीफ से। उसने कहा ठहर जाइए, मैं कुछ पूछूंगा, परेशान ना हो ना। कहा क्या? कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, बहुत पुरानी किताब उठा के लाया और लाने के बाद कहा जरा कुर्ता उठाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुर्ता उठाया, वो वर्क पलटता गया, अबू बकर सिद्दीक को देखता गया, वर्क पलटता गया, देखता गया। आप कहते हैं क्या बात है, एक रात रुकने के लिए कहा था और ऐसे चेक किया जा रहा है जैसे किसी जासूस को चेक किया जाता है। कहा तेरे सीने का तिल बता रहा है कि तू कोई आम बंदा नहीं है। कहा अबू बकर तेरा नाम है? कहा कि खानदान कुरैश में कोई मोहम्मद नामी शख्स पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आपने कहा तुझे कैसे पता? कहा यार एक बात बता कि तू मक्के से चल के आया। कहा हाँ, क्या वही मक्का जो पहाड़ियों के दरमियान थे? कहा जी वही मक्का। कहा वही मक्का जहाँ पे खजूरों के बागात लगे थे? कहा वही मक्का है। उसने कहा जरा ठहर तो सही, हाथ पकड़ा है, पकड़ के लाके कहता है तुझे बता दूँ, तेरा नाम अबू बकर है, आने वाले दौर में तुझे सिद्दीक कहा जाएगा। कहा कैसे? कहा तेरा एक यार होगा, नाम मोहम्मद होगा, उसके बेटे उसका बाप अब्दुल्ला होगा, तू उसका सच्चा सिद्दीक होगा, तुझे पूरी दुनिया सिद्दीक कहेगी। सर चकरा गया, कहने लगे मैं नहीं जानता ये बात कैसे कर रहे हो, मेरा नाम अबू बकर है। सिद्दीक कौन कहेगा? कह ये तू नहीं जानता, जरा कलाई पकड़। कह तेरे दोस्त का नाम मोहम्मद है? कहा है तो सही। कह क्या उसने नबूवत का दावा किया है? कह ऐसा तो कुछ नहीं है। कह उसकी पहचान लेगा तू अगर मैं बताऊं? कह हां पहचान लूंगा। हाथ पकड़ा है, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, पहले कमरे में लेके गया, जब दरवाजा खोला उसमें कुछ तस्वीरें बनी थी। उसने कहा बता उसमें कोई तेरे दोस्त की तस्वीर है? मैंने कहा कोई तस्वीर नहीं है। कब फिर पलट के आया, दूसरे कमरे में लेकर के गया, उसमें देखा कोई तस्वीर? कहा उसमें भी कोई ऐसी तस्वीर ना थी जो मेरे यार के चेहरे से मिल जाती। कहा जब तीसरे कमरे में गया और बेशुमार तस्वीरें थी, उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर ही मैं चीख पड़ा, ये मेरे यार मोहम्मद की तस्वीर है, मेरे यार मोहम्मद की तस्वीर है। लेकिन कहते हैरत हुई, मैंने देखा कि मुस्तफा की जो तस्वीर बनी है
वो तो सामने बनी थी, लेकिन एक शख्स कदमों में बैठा है जिसकी पीठ सामने थी, चेहरा बैठने वाले की तरफ था। मैंने कहा ये तो बता, ये तो मेरे यार की तस्वीर है, लेकिन ये जो बैठा है ये कौन है? रागी मैंने कहा तू नहीं पहचानता, इसी साहब का अबू बकर कहा जाता है। कहा ये कैसे पता चला कि तुम नहीं जानते हो? तुम तो आ जाए हो और तुम्हारे आने का ऐलान ये सदियों पहले से हमारी किताबों में किया जा रहा है। अल्लाह اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے زندگی میں حضور سے ایک مرتبہ یہ نہ کہا ہو کیوں سوائے ابوبکر صدیق کے حضور نے جو کہہ دیا کبھی سبب ہی نہیں پوچھا ایمان یہ تھا جو حضور کہتے کہ بہتری ہی ہوگی کبھی اپنے علم میں اضافے کے لیے بھی نہیں کہا حضور یہ آپ نے کیوں کہا ایسا کیوں کہیں یہ کرنا حضور گردن جھک گئی واپس جلدی سے اونے پونے میں دام بیچا مال بیچا واپس آ گیا راستے میں نہ ڈائریکٹ کہا میرے یار کہاں ہے ابو جہل مل گیا بولے یار تیرا ایک دوست ہے عجیب مسئلہ ہے کہا کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے اپنے عمل کا بھی حساب دینا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہنے لگے کس نے کہا کہا تیرے یار نے کہا پھر تو سچ کہا ہوگا وہاں یہ کہہ کے دوڑے اور حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے سنا اپنے اعلان نبوت کیا ہے کہا ہاں کہا پھر جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے کوئی نشانی میرے حضور نے فرمایا ابوبکر کیا وہ کم تھا جو راہب نے کہا تھا وہ رات جب گرجا گھر میں سن کے آئے تھے کیا وہ باتیں کافی نہیں تھی قدم پکڑ لیے حضور کے کہنے لگے بس اب پوری زندگی ابوبکر کوئی سوال ہی نہیں یہ ابوبکر صدیق ہیں خدا کی قسم ابوبکر ابوبکر ہے اور پھر انہی کے پہلو میں لیٹے ہیں عمر سمجھ رہے ہیں اب پھر انہی کی کروٹ میں لیٹے ہیں کون عمر وہ گئے جو رستے سے گزر جائے تو شیطان کا وضو ٹوٹ جائے ان کا ہی نہیں ان کے باپ کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کی اوقات کیا حضور فرماتے ہیں جب اچھے لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کرنا یہ حضور نے کہا تھا میرے عمر کی بھی باتیں کرنا ہے اب عمر کون ہے عمر وہ ہے جو کرسی پہ بیٹھ جائے تو شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے بکری کہتی ہے ڈر نہیں عمر کا دور ہے شیر بھی کروٹ میں کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے لیکن کہتا ہے ہوش میں رہنا عمر کا دور ہے عمر کا دور ہے یہ حضور کے خلفاء کا دور رہا ہے کہ شیر بکریوں نے ایک جگہ پانی پیا ہے یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے شیر بکری ایک جگہ رہتے تھے اور خدا کی قسم کمال دیکھ عمر کا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا بہت غور سے سنیے گا حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے اسی بیچ میں اچانک کہنے لگے یا ساری الجبل یا ساری الجبل پہاڑ پکڑو پہاڑ پکڑو سارے لوگ حیرت میں یہ کیا مسئلہ ہے بھئی خطبے کے بیچ میں اچانک عمر یہ کہہ رہے ہیں بات آئی گئی ہوگی مہینے بعد لشکر واپس آیا کیا ہوا کہ جیت گئے کہ مبارک ہو کہ مبارک بعد ہمیں نہ دو اگر دینی ہے تو پھر عمر کو دو کہ عمر تو ہمارے بیچ میں تھے کہ ہم تو ہار رہے تھے عمر نے کہا پہاڑ پکڑو ہم نے پہاڑ پکڑا خدا نے فتح عطا فرما دی ہے پھر کیا تھا چرچے ہو گئے لوگوں عمر وہ ہے جو اپنے منبر پہ بیٹھ کر کے مہینوں تک کی دوری کا دیکھ لیا کرتا ہے عمر وہ ہے جو منبر پہ بیٹھ کر کے سینکڑوں میل کی مسافت تک کی آواز سن بھی لیتا ہے آواز پہنچا بھی دیتا ہے آج فون کے ذریعے مراد آباد خبر پہنچی تو کیا پہنچی فون کے ذریعے سعودی آواز گئی تو کیا گئی کمال تو یہ تھا بنا کسی
سہارے کے مصطفیٰ کے غلام سینکڑوں میل کی مسافت سے سن لیا کرتے تھے، مدینہ طور کے فاصلوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، یہ تھے مصطفیٰ کے غلام۔ چرچے ہونے لگے، عمر وہ ہے جو بیٹھ کر کے کرسی پر مہینوں کی مسافت تک کا دیکھ لیتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک یار تھا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمر میرے بچپن کا یار ہے، میرے ساتھ اونٹ چراتا تھا، اس کے اونٹ گم جاتے تھے، اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا، اب اس کو ایسے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ وہ آیا دوڑا دوڑا مدینہ شریف، کہا لوگوں عمر کہاں ہے؟ کہا لہجہ نیچے کر، امیر المومنین ہے وہ۔ اس نے کہا تمہارا امیر المومنین ہوگا، میرا تو یار لگتا ہے، کہاں ملے گا؟ کہا مسجد نبوی چلے جاؤ، مسجد نبوی سے عمر نکل رہے ہیں، یہ جا رہا ہے۔ کہا کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا عمر یار ایک بات بتا، تو میرے بچپن کا یار ہے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ بچپن میں تیرا اونٹ گم جاتا تھا، تیرا باپ سختی کرتا تھا، اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا، آج سنا گئے یہاں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں میل تک کا دیکھ لیتا ہے۔ کہا تو نے سب سنا گئے۔ کہا یار یہ تو بتا دے، کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے، کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے، کل تجھے اپنا اونٹ نہیں ملتا تھا، آج سینکڑوں میل تک کا کیسے دیکھ لیتا ہے؟ عمر نے مسکرا کے کہا تھا جب تک ہم تیرے یار تھے کچھ نہیں دیکھتا تھا، جب سے ان کے یار ہو گئے ہیں کائنات ہمارے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں نہ نبی کے ابوبکر کا جواب، نہ نبی کے، نہ نبی کے، زور سے نہ نبی کے، عمر کا جواب۔ خدا کی قسم میں ایک اگلی بات کر دوں، بڑی بات کر رہا ہوں، یہاں ارباب ممبر کی توجہ چاہیے۔ آپ سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، جایا بھی کرو، جو اپنی مرضی سے نہیں جاتا اسے پھر چار لوگ کندھے پہ لے کے جاتے ہیں، اور جسے چار لوگ لے کے جاتے ہیں نا، ہاں ماشاءاللہ اسے گھوم گھوم کے بھی دیکھتے رہو، جو خود نہیں جاتا اسے چار لوگ لے کے جاتے ہیں، اور جسے چار لوگ لے کے جاتے ہیں، بریلی کا امام کہتا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، جب کندھوں پہ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، یہ یاد رکھیے، جب ایک بار جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ یہی اعلان بریلی کے امام نے کیا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، جایا کرو قبرستان۔ اچھا جب جاتے ہیں جو لوگ مٹی دیتے ہو نا، کئی بار تو لوگ ایسا ہوتا کہ نماز جنازہ میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی پیڑ کے نیچے بھیڑ رہتی ہے، یہ کیوں نہیں آئے؟ کہ ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بھئی اگر کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو تجھے آنے کا کس نے کہا تھا؟ جنازے میں پاک صاف لوگ آنے چاہیے، یہ کوئی تیرے ابا کا ولیمہ تھوڑی ہے جو پاک نہ پاک سارے چلے آئے۔ کوشش یہ کیا کرو سارے بندے نماز میں شامل ہوں، سارے بندے نماز میں شامل ہوں، جنازے پاک رکھا کرو بد عقیدہ لوگوں سے، وہابی بد مذہب لوگوں میں سے کوئی جنازے میں شامل نہ ہو، اور ناپاک بندہ نہیں ہونا چاہیے، ساری پاک ہونے چاہیے۔ تم نہیں جانتے ہو شاید یہ زندگی میں تمہارا یار تھا، تمہارا دوست تھا، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن جب سے روح نکلی ہے نا بالکل بدل گیا ہے۔ تم کپڑے ایسے نہیں نکال سکتے، پھاڑ سکتے ہو، چھین سکتے ہو، نہیں، اللہ کہتا ہے ادب سے نکال، کل تک یہ تمہارا تھا اب یہ میرا ہو گیا ہے، ادب سے کاٹ کے کپڑے نکالو، اس کے بدن کو تکلیف نہ ہو۔ مالک کیسے کپڑے پہنانا، کوئی پرانا کہاں نہیں، نیا پہنا، ایسا ہو جو کلر میرے محبوب کو پسند ہے سفید پہنا ہو، حالانکہ کفن کسی بھی کپڑے کا یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن سفید اس لیے دیتے ہیں میرے حضور کو بڑا پسند ہے، یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سفید کفن دیا جاتا ہے، پھر کندھے پہ رکھنا، آگے استاد چلے گا کہاں نہیں، پیر کا آج وہ بھی پیچھے چلے گا، آج اس کو کندھے پہ لے کے چلے، خدا کی قسم کل تک جس کے ہاتھ یہ چومتا تھا نا آج وہ اس کے جنازے کو کندھا دینے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے کتنی عزتیں بڑھا دی، اس نے کہا سنو یہ گناہگار تھا لیکن میرا ہو گیا ہے، اسے جو کاندھا لگا کے 40 قدم چلے گا میں گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا عزتیں اس نے بڑھائی ہیں یار، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ناز ہے اس بات پہ ہمیں مسلمان ہیں۔
एक बंदा नारा लगा रहा था कि जब काटे जाएंगे ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तुम जबान काट दो, गला काट दो, जो खुदा वाले हैं खुदा वाले रहेंगे। इस्लाम ने बहुत सारे नमरूद देखे हैं, बड़ी बड़ी बातिल ताकतें आई आकर के चली गई, कल भी इस्लाम था आज भी इस्लाम है और सुबह कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। धोखे में बताना कि जमीन तंग करके जबान काट दोगे, हम जबान कटवा तो सकते हैं, जबान बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते हम जबान। हमें फक्र है कि मुसलमान है। वो चाहता तो इंतकाल के बाद किसी घूर पे फिकवा देता, वो चाहता तो गड्ढे में डलवा देता, वो चाहता नदी में फिकवा देता, वो चाहता आग लगवा देता। उसने कहा नहीं, ये मेरा है, इसे इज्जत से कंधे पे उठा, सफेद लिबास पहना, मालिक क्या करना है, साफ सी कब्र बना, आहिस्ता से तख्ते लगा, कहा पैर मत रखना ऊपर, तख्ते लगा, ऐसे लगा मिट्टी ना गिरे, या अल्लाह क्या करना है, कहा मिट्टी दे, अब जब मिट्टी डाला या रखी है, कहा क्या कहना है, कहा अब कह मिनहा खलकना को और तुमको याद दिलाया जा रहा है, होश में रखना, तुमको भी पलट के यकीन आना है, होश में रखना, तुमको भी पलट के यकीन आना है। मुझे पता तो सही, मैंने रब से कहा है मेरे मालिक पता तो सही, ये इज्जत है किस लिए है, ये शोहरत है किस लिए है। जब ये जिंदा था तो शराब पीता था, ये जिंदा था झूठ बोलता था, इसके बाप को इससे नफरत थी, इसके भाई को इससे नफरत थी, इसके परिवार को इससे नफरत थी, लेकिन मेरे मालिक पता तो सही, रूह क्या निकली है, रुतबे बुलंद कर दिए गए हैं, हक बदल दिया गया है। रब कहता सुनो तो सही, जब तक ये दुनिया में था फासले थे, अब कब्र में आने वाला है और कब्र में मेरा महबूब आने वाला है, ये उसका दीदार करेगा, इसलिए इज्जत इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, जो इस कब्र पे आके मिट्टी डाल के जाएगा वो भी जिंदगी कर दिया जाएगा। और सुनिएगा बहुत गौर से, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सुने, कयामत तक कोई नबी के यारों को याद नबी से दूर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये सीना कूटने वाले लोग कयामत तक सीना कूटते रहेंगे। हाँ, ये लानत है इनके ऊपर। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ ये दुआ पढ़ते ना, मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया। एक उसूल है कि जो बंदा जहां की मिट्टी से बनेगा उसकी कब्र वही बननी है। अगर मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी तो मैं दफन होने मुरादाबाद जाऊंगा, यह निजाम कुदरत है, इसमें किसी की राय नहीं चलती। अगर मेरी मिट्टी आगरा की है तो मुझे दफन आगरा में होना, अगर किस्मत से मेरी मिट्टी मदीना शरीफ की है तो फिर दफन मदीने में होना है। दफन मेरे मुस्तफा के मदीने में होना है, जहां की मिट्टी होगी उसको वहीं पे दफन होना है। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जहां की मिट्टी है बंदा वहीं दफन होगा तो फिर अबू बकर की कब्र कहां है? जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जहां की मिट्टी है वहीं दफन होना है, तो अबू बकर की मिट्टी, उमर की मिट्टी, हुजूर जहां लेते हैं वहीं पे अबू बकर उमर लेटे गए। पता चला जहां की मिट्टी बशरी लिबास के लिए मुस्तफा के लिए चुनी गई थी, वही की मिट्टी अबू बकर उमर की मिली गई थी। अब सुनिएगा, जहां अबू बकर है वही उमर है और ये दोनों लगा है, जहां पे मुस्तफा है और आका ने कहा था सहाबा अबू बकर उमर दुनिया में भी मेरे साथ है और कयामत में भी मेरे साथ उठाए जाए। अल्लाह खुदा की कसम, अबू बकर उमर सो रहे हैं लेकिन उनके गुलाम जाग रहे हैं। अभी किसी मां ने अपने बच्चे को इतना दूध नहीं पिलाया कि हुजूर के आशिक के सामने कोई नबी के अबू बकर उमर को भौंक सके। मेरे
मेरे भाई जिसे जहां जगह मिले, मैंने कहा था बैठ जाइए, बस बैठी फर्श पे बैठी है, हुजूर देख रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर आप ज्यादा परेशान हो मैं तकरीर मुख्तसर कर दूं, वरना फिर प्यार भरा लहजा लेके बैठी है, बहुत प्यार से बैठी है, जगह तंग पड़ रही मैं जानता हूं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप यहां नीचे बैठे ना, यहां नीचे बैठे लेकिन हुजूर की नजरों में बहुत ऊपर बैठे। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताइए मुझे इस बात को, अगर मेरे बेटे की कहीं तारीफ हो तो मैं कितना खुश होऊंगा। हाजी साहब आपके बेटे की तारीफ हो आप कितने खुश होंगे। अगर तुम्हें मुझे अपने बेटे की इतनी मोहब्बत है कि उनकी तारीफ से हम खुश होते, मैंने तो उनका जिक्र छेड़ा गया जिनकी मोहब्बत में मुस्तफा की मोहब्बत है, है ना जी। इंशाल्लाह जहां बैठे हो ना बैठ के सुनो, बस जगहें तंग जरूर है, दिल कुशादा रखिए। अल्लाह कमेटी वालों आपको सलामत रखे, भाई आपको भी अल्लाह सलामत रखे, इंतजाम या सारे अफराद को अल्लाह जजाए खैर बख्शे, सबको अल्लाह करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस सुनिएगा तवज्जो है, ठीक है। अगली बात कर दूं मैं, वक्त ज्यादा हो जाएगा। खुदा की कसम ना अबू बकर का जवाब, ना उमर का जवाब, ना उस्मान का जवाब, ना हैदर का जवाब है। कौन है हैदर? हसनैन के बाबा, जहरा के शोहर। अगर आप बात करें ये घर कितना बड़ा होगा, किसी घर में एक मुफ्ती होता है ना पूरे परिवार को नाज होता है, एक शायर एक खतीब किसी घर में हो जाए पूरा घर नाज करता है। हमारा बेटा मुकर्री रहे, हमारा बाप मुकर्री रहे, हमारा भाई मुकर्री रहे, हमारा भतीजा, हमारा पोता, सबको नाज होता है। लेकिन बता जिस घर में हर एक बड़ा हो, जिस घर का एक एक बच्चा बड़ा हो, खुदा की कसम अगर हुसैन को देखो तो शहीदों का इमाम, बाप को देखो तो वलियों का इमाम, माँ को देखो तो जन्नती औरतों की सरदार, और नाना को देखो तो पूरी कायनात का सरदार। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन और नूर 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 नूर। ये मैं बात कर रहा हूं जिसमें एक एक बच्चा बड़ा है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अगर बात करूं मैं एक एक फर्द की तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं थोड़ा सा तज़किरा हजरत अली का कर दूं, पता लगना चाहिए। हम राज़ियों की तरह अली अली नहीं करते, हम सुन्नियों की तरह अली अली करते हैं। अब सुन्नी कैसे अली अली करता है ये सुन। ये लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने हक मार लिया अबू बकर उमर ने। ये इन चिंदी चोरों से ये पूछो, अली वो जिसकी तलवार चले तो आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, है ना। ये जिसकी अपनी शान थी आवाज की हवाएं ऐलान करती थी, अली जैसा जवान नहीं है, ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं है। ये जिसकी खनक में आवाज पैदा होती थी, किसी की मां ने दूध पिलाया था उससे कोई कुछ छीन लेता? तूने सोच कैसे लिया अबू बकर और उमर छीन सकते थे अली से? पहली बात, जिसकी तलवार काटती है तो इतना इंसाफ करती है। मरहब को काटा तो एक ग्राम ना इधर ज्यादा था ना इधर, बराबर का कटा था। अली की तलवार अगर काटने में इतना इंसाफ करती है तो फिर खिलाफत में कितना इंसाफ होगा? तूने कैसे कह दिया छीन लिया होगा, कैसे कह सकता है? और दूसरी बात, ये सारे सहाबा हुजूर की दरसगाह के पड़े हुए, इन सब के उस्ताद मुस्तफा हैं। मेरा शागिर्द गलती करे तो जिम्मेदार मैं, मेरा शागिर्द अगर बुलंदियों पे जाए तो क्रेडिट मुझे पहुंचेगा, फलां का शागिर्द है। नाक कटा दे कहीं तो मैं फंसूंगा, फलां का शागिर्द है। तो जो शागिर्द करेगा जिम्मेदार उस्ताद होता है। जरा होश कर, हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, अबू बकर उमर पे चोरी का इल्जाम लगा था, तुझे क्या लगता है हुजूर की दरसगाह में कमी थी? खुदा की कसम हुजूर की दरसगाह तो वो है कि अबू बकर को सबक पढ़ाया, जिब्रील आए तो जिस लिबास में अबू बकर खड़ा था उसी में जिब्रील है, और टाट का लिबास था। कहा जिब्रील ये क्या? कहा हुजूर आज मैंने ही नहीं सारे फरिश्तों ने यही लिबास पहन रखा है। क्यों? क्योंकि
तुम्हारे अबू बकर ने पहन रखा है। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा था, जिब्रील अगर खुदा तुम्हें इंसान बनाए तो किसकी तरह बनना पसंद करोगे? किससे पूछा था? जिब्रील से। कहा किसकी तरह बनना पसंद करोगे? कहा था या रसूल अल्लाह अगर खुदा मुझे इंसान बनाए और इख्तियार दे किसकी तरह बनना है, कहा फिर मैं अबू बकर की तरह बनना पसंद करूंगा। सोचो तो सही, जिब्रील जिसकी तरह बनना पसंद करे उसे चोर कहते हो? तुम चोर, तुम्हारा परिवार चोर, तुम्हारा खानदान चोर। हाँ, और नुतफा चेक कराना, तुम्हारी अम्मा भी चोर होगी। अहले बैत को भोंकने वाला हलाली नहीं हो सकता। सहाबा की गुस्ताखी